हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 56 है। 56 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चार क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे और चारों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे एक से बढ़कर एक थे, है ना। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो इस समांतर श्रेणी से बहुत ही जुड़े हुए हैं और इनका जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो काफ़ी आपको देखने को मिलता है। ओके, पहली चीज़ का तो मिलता है, दूसरी वाली चीज़ को आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं पहले बता देता हूँ वो दोनों चीज़ें क्या हैं, तब आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि किन्हीं दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अपना पहला टॉपिक है। दूसरा क्या है कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप किसी समांतर श्रेणी के तीन पद चुन लीजिए, चार पद चुन लीजिए, पांच पद चुन लीजिए, तो आप इन पदों का चयन कैसे करेंगे, है ना। आपको किसी समांतर श्रेणी के एक लाइन से आने वाले, मतलब क्रमागत अगर पदों को चुनना है तो उसके लिए एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, और फिर इसके बाद इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर फर्स्ट टॉपिक से, जो अपना है दो संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ओके, क्या होता है समांतर माध्य, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलो, यदि ए कॉमा बी तथा सी, ये तीन संख्याएं आपके सामने हैं, यदि ए कॉमा बी तथा सी किसी समांतर श्रेणी यानी एपी के तीन क्रमागत बोले तो एक के बाद एक आने वाले है ना, क्रमागत पद है, तो बी को ए तथा सी का समांतर माध्य कहते हैं। तीन नंबर है अपने पास, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो ए और सी के बीच में बी आ रहा है ना, तो यहां पे ये डेफिनेशन है कि अपने पास अगर तीन नंबर्स हैं और ये तीनों नंबर्स किसी एपी के क्रमागत पद होने चाहिए, है ना। एक एपी बनी हो, उस एपी में लाइन से आने वाले तीन पदों को उठा लो, वही तीन पद ये हैं। तो जो बी है, जो बीच वाला पद है, वो ए और सी का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। ओके, अब इस बी को हम ए और सी के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे कि हमें अगर ए पता है, सी पता है, तो हम उसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। ओके, यदि डेरिवेशन यहां पे मैं लिख दूं या फॉर्मूले का निगमन, जो भी आप समझे, ए कॉमा बी तथा सी तीनों एक एपी में है, तो आपको पता है किसी एपी में जो पद होते हैं, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाने पर क्या मिलता है, सर्वांतर। तो हमें बी से ए को घटाने में सर्वांतर मिलेगा, सी से बी को घटाने में सर्वांतर मिलेगा, और ये सर्वांतर बराबर रहता है ना। तो इसका मतलब बी से ए को घटाओगे जो वैल्यू आएगी वो सी से बी को घटाने में भी आएगी, है ना, यही कह रहा है। बी से ए को घटाने में जो आएगा वो सी से बी को घटाने में आएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, बी को इधर लाओ, ए को उधर भेजो, तो ये बी प्लस बी हो जाएगा और ए प्लस सी उधर हो जाएगा, है ना। ये निगेटिव है इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये b प्लस बी टू टाइम्स b इक्वल्स ए प्लस सी।
सो बी विल बी ए प्लस सी बाई टू। ये है आपका समांतर माध्य निकालने का सूत्र। अगर आपको दो संख्याएं ए और सी पता है तो उनको जोड़ करके दो से भाग दे दो, जो संख्या आएगी वो ए और सी का क्या कहलाएगी? समांतर माध्य कहलाएगी। ओके, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अगर हम करें तो एग्जाम्पल संख्याओं चौवन तथा 102 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे हम लोग समांतर माध्य को? हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस सी बाई टू होता है ना, ए सी ये है, ए ये है, सी ये है, हमें बी निकालना है, तो 54 + 102/2 हो जाएगा। 54 में 102 जोड़ो तो 156 हो जाएगा, बटे दो इसको डिवाइड करो तो 78। ये आ गया अरिथमेटिक मीन, ऐसे ही निकालना है ना? अब अगर हम लोग 54, 78 और 102 को एक तरफ से लिख दे दो, 54, 78 और 102 को लिख दे दो, ये तीनों किसी एपी के क्रमागत पद बन जाएंगे, है ना? 78 से 54 घटाने में जितना आएगा वही 102 से 78 घटाने में भी आएगा, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ओके, ये होता है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के का यूज। हम क्या जो निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यूज से निकालते हैं। ओके, चलो अब हम लोग अगली चीज जो देखते हैं कि किसी श्रेणी के, समांतर श्रेणी के तीन पद या चार पद या दो पद चूज करने हो तो हम लोग कैसे चूज करेंगे। ओके, अब हमें जो अगली चीज पढ़नी है वो है किसी एपी के क्रमागत पदों का चयन। ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, ये आप इस क्वेश्चन से समझेंगे। आपको मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया हो कि किसी एपी के तीन क्रमागत पदों का योग 207 है। हमारे पास एक एपी है, उस एपी के हम लोग लाइन से तीन पद उठा लिए, उनको जोड़ने पर 207 आ रहा है। और क्या कह रहा है? यदि पहले दो पदों का गुणनफल 4623 है, वो जो हमने तीन क्रमागत पद उठाए उनमें से पहले दो पदों का गुणनफल इतना है, गुणा करने पर इतना आ रहा है, तो तीनों पद क्या होंगे ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिमाग लगाओ, आपकी कौन सा तरीका लगा सकते हो जिससे ये हो जाए? मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा पता है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज करना है जो तीन पॉइंट्स, कि ये तीन क्रमागत पद हमें कैसे चूज करें, क्या करें, उसके लिए जरूरत पड़ेगी इस चीज की, है ना? इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। ओके, पहला पॉइंट, अगर हमें किसी एपी के तीन पद चूज करने हो और उसका सर्वांतर डी दिया हुआ हो। ओके, यदि सर्वांतर डी हो तो एपी के तीन क्रमागत पदों का चयन हम कैसे चयन करेंगे? सबसे पहले जो बीच वाला पद है उसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे। ओके, अब चूंकि सर्वांतर डी है तो हमें अगर एक पद पता चल गया तो उसके आगे वाला पद कैसे निकलेगा? ए प्लस डी करके ना सर्वांतर को जोड़ देंगे तो आगे वाला पद आ जाएगा, तो इसके आगे वाला टर्म आ गया ए प्लस डी, और इसके पहले वाला सर्वांतर को घटा देंगे ए माइनस डी। ऐसे चूज करना है अगर आपको किसी एपी के तीन पद उठाने हैं, कहीं से भी उठाने हैं। अब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए उस एपी का प्रथम पद है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ए प्रथम पद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के पहले भी एक पद है अपने पास, है ना? तो ए माइनस डी हो सकता है लेकिन है ये नहीं पता है। ओके, हमें ऐसे ही चूज करना है, बीच वाला टर्म को ए, उसके आगे वाला ए प्लस डी, उसके पहले वाला ए माइनस डी। अगर पांच चूज करने होते तो एक बार और आगे डी जोड़ देते तो ए प्लस टू डी हो जाता, ए माइनस टू डी हो जाता। आई थिंक आपको आइडिया लग गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने इस ट्रिक से। ओके, चलो माना
एपी के तीन क्रमागत पद कौन कौन से? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। हमने तीन पद को मान लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है? इन तीनों का योग 207 है ना। तो a माइनस डी को, a को, a प्लस डी को, तीनों को जोड़ दिया तो 207 के बराबर आ रहा है। देखो d से d एक कैंसिल आउट, यहाँ पे एक दो तीन a हो गया, इक्वल्स 207। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 207 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 6 18, 3 9 27, 69 आ गया a की वैल्यू। हमें बीच वाला पद पता चल गया। अब अगर हमें d पता चल जाए तो हमें उसके आगे वाला और पीछे वाला भी पता चल जाएगा। d पता करने के लिए क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, पहले दो पदों का गुणनफल इतना है, इसका इसका अगर गुणनफल करें तो इतना आ रहा है। ओके, पुनः a माइनस डी को अगर हम लोग गुणा करें a से तो कितना आ रहा है? 46 23 आ रहा है। ओके, a की वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो रख देते हैं, 69 है, 69 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय 69 इज इक्वल टू 4 6 2 3। चूंकि हमें d की वैल्यू चाहिए तो 69 को पक्षांतर कर दो, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69। देखो कटेगा क्या? 10 12 15 कट जाएगा, 3 से काटते हैं इसको, तो यहाँ पे आएगा 3 3 6 और 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 23। यहाँ पे 3 से काटो, 3 1 3, 3 5 15 एंड 1 12, 3 4 12, 3 1 3, इतना आ गया। अब क्या ये 23 से कटेगा? कटना चाहिए, खैर 23 230 4 7, 6 बार में शायद जाएगा, मैं इधर डिवाइड कर लेता हूँ, 23 से डिवाइड करना है 1541 को। अगर 6 बार गया तो 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 1 13, 14 में से 8 गए 6, 4 में से 3 गए 1, उतारा 1, तो अब ये 7 टाइम्स जाएगा आई गेस, 7 3 21 कैरी 2, 7 2 14 216, 67 आ रहा है। तो 20 ये कितनी बार में कटेगा? 67, ये डी था यार, मैंने 6 लिख दिया। ओके, तो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67, ये आ गया। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? डी को उधर ले जाएंगे, 67 को इधर लाएंगे, सो डी विल बी 69 माइनस 67, डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पता चल गई भैया 69, डी की वैल्यू पता चल गई 2। तो अब हम इन तीनों का मद, इन तीनों पदों का जो मान है वो निकाल सकते हैं, है ना। अतः a माइनस डी इज इक्वल टू 69 माइनस 2, दिस विल बी 67, एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 69 प्लस 2, दिस विल बी 71। तो अतः ap के वे पद क्या होंगे? 67 69 71, ये है आप लोगों का आंसर। बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ये पता लगाना हो कि मेरा आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि एपी के तीन पद अगर होते हैं, तीन पद अगर एपी में हैं, तो बीच वाला पद इन दोनों पदों को जोड़कर दो से भाग देने पर आता है ना। तो आप 67 में 71 जोड़ के दो से भाग दीजिए, पक्का 69 आएगा। ओके, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं कुछ और आपको चूज करना बता देता हूँ। सेकेंड, अगर मान लो आपको सर्वांतर डी की जगह कुछ और दिया हुआ हो, यदि सर्वांतर मान लो 2D दिया गया है, सर्वांतर 2D दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि आप इस बार 3 की जगह 4 पद चूज कर लो। ओके, डी हो
तो एपी के चार क्रमागत पद हम लोग कैसे चूज करेंगे? इस बार ए नहीं चूज करना है बीच वाला पद, इस बार हमें एक पद को ए माइनस डी चूज करना है, एक पद को ए प्लस डी। ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा। अब क्योंकि सर्वांतर 2d है तो देखो ए प्लस डी से ए माइनस डी घटाओ, ए ए कैंसिल हो जाएगा, डी डी जुड़ जाएगा, 2d हो जाएगा। और इसके बाद वाले टर्म को इसमें 2d जोड़ देगा तो ए प्लस 3d हो जाएगा, इसमें 2d घटा दोगे तो ए माइनस 3d हो जाएगा। ऐसे चूज करना है हमें चार टर्म। हमें इस बार सिंगल ए नहीं चूज करना है, जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज करने हो, है ना, 3, 5, 7, तब आप लोग ए से स्टार्ट करेंगे, ओके। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स चूज करना हो तो आप एक टर्म को ए माइनस डी मानोगे, एक टर्म को ए प्लस डी, और ऐसे ही बढ़ाते चले जाओगे, है ना। दो टर्म चूज करने हो तो ए माइनस डी ए प्लस डी, है ना, सर्वांतर 2d रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे सर्वांतर d था तब आप लोग क्या करते, तब आप लोग मान सकते थे। अगर सर्वांतर d होता और आपको तीन दो पद चूज करने को बोलता तब आप लोग क्या करते, एक को ए मान लेते, एक को ए प्लस डी मान लेते, या फिर एक को ए माइनस डी मान लेते, एक को डी ए मान लेते, है ना। तो सर्वांतर जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे आप टर्म्स को चूज करना सीखेंगे, ओके। तो अब मैं इन दोनों टॉपिक्स रिलेटेड कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल्स करा देता हूँ और उसके बाद हम लोग लेक्चर को फिनिश कर देंगे। दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग समांतर माध्य का यूज करेंगे, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम लोग पदों को चूज करने का जो तरीका सीखा है उसका यूज करेंगे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो अगर क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5x-3, 4x तथा 6x+1 एपी के तीन क्रमागत पद हैं। अब मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य क्या होता है, यदि ए बी सी किसी एपी के तीन क्रमागत पद हैं तो समांतर माध्य ए और सी का बी होता है और बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होता है ना। क्योंकि 5x-3, 4x, 6x+1 एक एपी में है ना, इसलिए जो इसलिए का साइन की तहजीब बन गया, इसलिए जो 4x है वो 5x-3 तथा 6x+1 का समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन है ना। अब अरिथमेटिक मीन है तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 5x-3 + 6x+1/2, है ना, ऐसे निकालेंगे। 2 को इधर लाओ तो 8x हो जाएगा, इक्वल्स 5x+6x 11x-3 और 1 2 हो गया, ओके। 8x को उधर ले जाओ, 2x को इधर लाओ तो 2 = 11x 11x एंड - का 8x। तो 11x में से 8x चला गया तो 3x बचा और बराबर 2, सो x विल बी 2/3, हो गया सॉल्व आंसर, है ना। ऐसे हम लोगों को करना है, बस प्रॉपर्टी यूज करनी है अरिथमेटिक मीन की। नेक्स्ट आते हैं, एक चतुर्भुज के कोण एपी में है और इनका सर्वांतर 10 है, 10 डिग्री, तो कोण ज्ञात करना है। अब आपको पता है चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और उन चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल, है ना, 360 अंश। यही चीज हमें यूज करनी है। सॉल्यूशन, माना चतुर भुज के कोण, हमें चार कोण चूज करने हैं, समांतर 10 है। अगर हम 10 को 2d लिखें तो d बराबर 5 आएगा ना, d बराबर 5 आएगा, 10/2 हो जाएगा, ओके। तो चार कोण को हम लोग कैसे चूज करेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी बीच वाले रहेंगे और ये वाला a प्लस 3d हो जाएगा, ये वाला a माइनस 3d हो जाएगा, है ना। ऐसे चूज करेंगे जहां सर्वांतर कितना था, 2d, है ना, 2d। और अगर हम 2d को 10 के इक्वल लें तो d बराबर 5 आएगा, 50 लिख रहा हूं, d बराबर 5 डिग्री।
ये आ गया अपने पास। अब क्या कह रहा है कि इन कोणों का योग 360 के बराबर होगा क्योंकि ये तीनों चतुर्भुज के कोण है। ओके, चूंकि चतुर्भुज के कोणों का योग, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी आ रही है आज, वैसे आती तो कभी अच्छी नहीं है, 360 डिग्री होता है तो अपने को क्या मिलेगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस, ये a है यार, मैंने d क्यों लिख दिया, a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 360 डिग्री। 3d कैंसिल आउट, d कैंसिल आउट, सो 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 360, ए विल बी 90 डिग्री, है ना, चार उधर जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री आ गया। हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, ए बराबर है 90 डिग्री, डी बराबर है 5 डिग्री, इसमें ए और डी की वैल्यू रख दो तो सारे कोण निकलते चले आएंगे, है ना। तो पहला कोण क्या आएगा, ए माइनस 3d है ना, ए माइनस 3d, ए की वैल्यू 90 डिग्री माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी है अपना 5, तो यह जाएगा 90 माइनस 15 पंतप की 75 डिग्री। और दूसरा कोण, अब ये तो एकदम आसान है, सब लोग कर लेंगे, a माइनस डी है 90 माइनस 5 बराबर, 90 में से 5 गए 85 डिग्री। तीसरा कोण, ए प्लस डी है, 90 प्लस 5 हो जाएगा बराबर 95 डिग्री। इसी तरह फोर्थ एंगल, ए प्लस 3d है, 90 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा 90 15 105, चतुर्भुज के चारों कोण ये निकला है, 75 85 95 105। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ना, एकदम आसानी से। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें बताया गया है कि तीन अंकों की एक धनात्मक संख्या है और इसके अंक एपी में दिए हुए हैं, है ना, और इन अंकों का योग 15 है। यदि हम अंकों को विपरीत क्रम में लेते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास एक संख्या ऐसे लिखी हुई है, अब हम लोग इस संख्या का आखिरी वाला पद शुरू में लेते जाएं और शुरू वाला पद आखिर में लेते जाएं, तब हमारे पास जो संख्या बनेगी वो पुरानी संख्या से 594 कम हो जाएगी, तब हमें संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो तीन संख्याएं, तीन अंकों की संख्या है और तीनों एपी में है, तो अपने को पता है कि अगर हमें तीन एपी के पद चूज करने तो हम लोग कैसे चूज करते हैं, ए उसके आगे वाला ए प्लस डी, उसके पीछे वाला ए माइनस डी, है ना। माना संख्या के इकाई, अब क्योंकि तीन अंकों की है तो इकाई दहाई सैकड़ा तीन चीजें होंगी, कामा दहाई तथा सैकड़ा के अंक क्रमशः a माइनस डी a प्लस डी है। इकाई दहाई और सैकड़ा में ये अंक है, इकाई में ये है, दहाई में ये है और सैकड़ा में ये है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन तीनों का योग 15 है, तो तथा प्रश्नानुसार a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी को अगर जोड़ें तो 15 आना चाहिए। डी डी कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू पता चल गई भैया। अब हमें इन संख्याओं को लिखने के लिए सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये जो बाद में शर्त लिखी हुई है इससे। पुनः अब हम लोग पुनः एक सेकेंड, पहले अगर हमें किसी संख्या का इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक पता है तो हम वो संख्या कैसे लिखते हैं ये जानो। मान लो आपके पास
एक संख्या है 12, इस 12 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है, तो हम लोग दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और उसको जोड़ देते हैं इकाई के अंक से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 प्लस 2 दैट मीन्स 12, तो ये संख्या मिल जाती है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कितने भी अंक की संख्या दी हुई हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो आप हर एक अंक को उठाओ और वो जिस प्लेस पर है उतने का गुणा करो, वो दहाई के प्लेस पर है तो 10 का गुणा करो, सैकड़े के प्लेस पर है तो 100 का गुणा करो, और हज़ारवें के प्लेस पे है तो 1000 का गुणा करो और जोड़ते चले जाओ, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। जस्ट लाइक दिस हम लोग अगर इस संख्या को लिखें तो देखो, इकाई के स्थान पे a माइनस डी है, संख्या क्या बनेगी, इकाई के स्थान पे a माइनस डी है तो इसको a माइनस डी ही लिखा रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं गुणा करेंगे। दहाई के स्थान पे a है तो a में 10 का गुणा करके जोड़ेंगे, ये a है यार, है ना, a में 10 का गुणा करके जोड़ेंगे। अब a प्लस डी सैकड़ा के प्लेस पे है ना, तो a प्लस डी में हम लोग 100 का गुणा करेंगे, ऐसे हम लोग को संख्या प्राप्त होगी। तो a प्लस, इसको ब्रैकेट अगर ओपन करो तो a माइनस डी प्लस 10d प्लस 100 को मल्टीप्लाई करो तो 100a, ये d है, मैं बार बार a को d लिख दे रहा हूँ यार, a है प्लस 100d, ओके 100a, 110a, 11a, 111a मिल गए, 100d में से 1d चला गया तो 99d, इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास संख्या क्या आ गई, इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, खैर संख्या जो है हमारी वो 111a माइनस 99d है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर अंकों को विपरीत क्रम में लेने ले लें तो संख्या 594 कम हो जाएगी। पहले हम ये देखते हैं कि अंकों को विपरीत क्रम में लेने पर संख्या क्या बनती है, अंकों को विपरीत क्रम में लेने पर संख्या क्या बन जाएगी, इस बार इकाई का अंक दहाई में चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई में, तो a प्लस डी इकाई बन जाएगा, a प्लस डी को ऐसे ही लिख देंगे, ये इकाई और सैकड़ा का अंक सॉरी चेंज होगा, दहाई वैसे ही रहेगा, दहाई वैसे ही है तो हम इसको 10 ये लिख देंगे, और सैकड़ा का अंक इस बार a माइनस डी बन जाएगा, ओके तो a 10a 100a 111a d, फिर से मैंने इसको t लिख दिया यार, a है ये जबरदस्त, a और माइनस का 100d तो माइनस का 99d हो जाएगा। पहले संख्या ऐसी थी कुछ, ये प्लस है यार, मैंने सॉरी इसके लिए, मेरा दिमाग ही कुछ अजीब चल रहा है, 100 में से d चला जाएगा तो 99 आएगा। पहले संख्या ऐसी थी, जब मैंने इकाई दहाई सैकड़ा के अंक बदल दिए, उनको उल्टा करके लिख दिया तो संख्या ऐसी हो गई। कह रहा है कि 594 ये वाली संख्या इस वाली संख्या से कम हो जाएगी, तब पुनः प्रश्नानुसार जो ये वाली संख्या है ये 111a माइनस 99d कम हो जाएगी किसके, इस वाली संख्या के, 111a प्लस 99d के कितने कम हो जाएगी, 594, है ना। अगर पहले वाली संख्या से 594 घटा देंगे तो ये नई वाली संख्या मिल जाएगी, ये कह रहा है क्वेश्चन, ओके 111a कैंसिल आउट, 99d उधर चला जाएगा, 594 इधर चला आएगा, तो 99 अगर उधर गया तो दो बार 99 हो जाएगा, है ना, दो बार 99 और 99 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 198d, और बराबर कितने के हैं, 594 के, तो d बराबर 594 डिवाइडेड बाई 198, कितने में कटेगा, तीन बार में शायद, 3 अटे 24, 2 3 27, यस 3 बार में, तो यहाँ से आ गया d बराबर 3, a बराबर अपने को पता चल गया था 5, d बराबर है 3, तो संख्या हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, है ना, अतः संख्या अपने पास क्या है, 111a प्लस 99d, इसमें a की जगह 5 रख देंगे, 111 गुणे 5 प्लस 99d की जगह 3 रख देंगे,
तो 5 5 5 प्लस 3 9 18 कैरी वन, 3 9 18 कैरी वन, 3 9 27 होता है यार, 3 9 27 कैरी वन, कैरी टू, 3 9 27 2 29। अब इनको जोड़ दो, 7 5 12, 12 की 2 हंसी लाया 1, 9 1 10, 10 5 15 की 5 हंसी लाया 1, 5 2 7 1 8, 852 है भैया तुम्हारी संख्या, 852 ये अपना आंसर है। अगर आपको आंसर की वैलिडिटी चेक करनी है तो आप लोग क्या करें, सारे अंकों को उल्टा कर दें, है ना। उल्टा करने पर 2 5 8 बन जाएगा, है ना। पहले संख्या 852 है, उल्टा करने पे 2 5 8 है, और क्या कह रहा है कि पुरानी संख्या में से ये जो उल्टा करने पर संख्या बने घटा दो तो 594 आना चाहिए। घटाओ आता है कि नहीं। 12 में से 8 गए 4, बचा 4, 14 में से 5 गए 9, बचा 7 में से 2 गए 5। देखो 594 आ रहा है ना, तो ये अपना राइट आंसर है। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, और इस टाइप के अगर और भी क्वेश्चन आए तो उनको हल कर लेना है। ओके, अब ये है एंड अपनी एपी का। एपी के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, जो एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन इम्पॉर्टेंट था उसको मैंने मधुर गुप्ता से बताया। ये चीज़ समांतर माध्य एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं इस यूनिट का रिवीजन करा देता हूँ। ओके, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी 6th यूनिट पर, है ना। तो अब हम लोग की मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और आप लोग लाइक करो वीडियो को यार, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके लिए मेहनत करता हूँ मैं। और अगर वीडियोस में लाइक अच्छे आ जाते हैं या व्यूज़ आ जाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, यही केवल एक मोटिवेशन है मेरे लिए। खैर, अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।